इस अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले ने आज नवी मुंबई के सानपाड़ा में दिवाली निमित्त एक दिया प्रभु श्रीराम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोगों ने दीप जलाकर प्रभु श्रीराम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी शंकर गायकर ने यह प्रबोधन करते हुए युवाओं में श्री राम के आदर्श और आचरण उतारने का आह्वान किया। नवी मुंबई में पहली बार आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में राम, सीता और लक्ष्मण की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। देखिए रिपोर्ट। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग क्षेत्र में दिख रहा यह मनमोहक नज़ारा एक दिया प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम का है, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति और श्री राम, सीता और लक्ष्मण की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी है। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा किया गया था, जहाँ आर नाइक इवेंट के सौजन्य से कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी शंकर गायकर ने प्रभु श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का उदाहरण देते हुए युवाओं में आदर्श आचरण लाने का आह्वान किया और महिलाओं से अपने बच्चों में श्री राम के संस्कार डालने की अपील की। उन्होंने धर्म प्रचारक कार्यक्रम के आयोजन के लिए युवा नेता पांडुरंग आमले की जमकर सराहना की। वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री सतीश निकम ने भी एक दिया प्रभु श्री राम के नाम के कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। मेरी संस्कृति जो है वो राम की है। वो जो राम है ना, वो राम आज भारत में इसकी आवश्यकता है। हर घर घर में राम नाम की गूंज होनी चाहिए। और अमले जी ने उस मंत्र को साकार करने हेतु आज अपना तन मन धन ये सब कुछ सुहा किया है। मैं अमले को एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखता हूँ, एक राम भक्त इस नाते से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। क्यों? उन्होंने यहाँ पर इस धरातल पर केवल मंदिर खड़ा नहीं किया तो ऐसा दृश्य खड़ा किया है यहाँ के हर व्यक्ति के हृदय में वो राम आज बसा हुआ है। जीवन का आधार राम है। आप कहीं भी भटक जाओ, आपको आधार देने वाला, विचार देने वाला, स्फूर्ति देने वाला वो राम है। इसलिए ये आयोजन ये केवल आयोजन नहीं है, ये नए मुंबई का सौभाग्य है। अगर रावणत्व का रावणत्व खत्म करना है तो देश के हर युवाओं को अपना रामत्व को जगाना पड़ेगा। ये समझता हूँ इस कार्यक्रम का संदेश जो है
हर व्यक्ति के मन में, हर हिंदू के मन में नहीं तो इस देश के हर संप्रदाय के, धर्म के व्यक्ति के मन में वो राम जिस दिन साकार होगा, इस दिन ये भारत माता विश्व गुरु हो जाएगी। ये जो नवी मुंबई शहर है, ये एक छोटा भारत है, क्योंकि इस भारत में हर प्रांत के प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं, और इस भारत को जोड़ने वाला जो दुआ है वो राम है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने अयोध्या से प्रवास किया और लंका तक वो चले, तो भारत के हर प्रांत को जोड़ते हुए चले, हर प्रांत के हर गांव में प्रभु रामचंद्र जी को दैवत माना जाता है। और ऐसा यह नवी मुंबई जहाँ हर प्रांत का प्रतिनिधि रहता है, इस नवी मुंबई में राम की पूजा करना यानी भारत की पूजा करना। तो आज प्रभु रामचंद्र ये विश्व को संदेश देने वाले एक आदर्श पुरुष, इस प्रकार से उनके नाम से पूजा जाता है। और हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी दिवाली मनाते हैं, एक प्रकार से अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का आगमन का उत्सव मनाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज धन्यता मानता है। इसका मतलब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में राम का डंका बज रहा है। और यही संदेश आज इस कार्यक्रम के निमित्त से देना था, इसलिए अयोध्या में जो प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिकृति बनाना, ताकि लोगों में उसके बारे में उत्साह रहे, उसके बारे में जानकारी मिले और उसका एक प्रतिरूप अपने हृदय में लोग बसाए, जिसके कारण राम भी उनके हृदय में बसे रहेंगे, इस प्रकार का इस कार्यक्रम का आज का प्रयोजन था। दिवाली पर्व पर नवी मुंबई में इस तरह का यह सबसे पहला और अनूठा कार्यक्रम था। इसकी संकल्पना बताते हुए युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले और समाज सेविका शारदा आमले ने कहा कि नवी मुंबई करों को भगवान श्री राम के मंदिर एवं उनके आचरण और आदर्शों से प्रेरणा मिले, यही इस कार्यक्रम का मकसद था। यहाँ अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र रही, जिसे 1.5 महीने में तैयार किया गया था। पांडुरंग आमले ने कहा कि विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में अब एक दिया प्रभु श्री राम के नाम का यह कार्यक्रम संपूर्ण नवी मुंबई में चलेगा, जहां यह मंदिर प्रतिकृति विराजमान रहेगी। एक दीप श्री राम मंदिर के लिए ऐसी एक हमारी संकल्पना थी, और इसी संकल्पना के माध्यम से हमने इस दीपावली में यहाँ पे भव्य दिव्य ऐसा एक प्रोग्राम अरेंज किया था। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उनको ये पता नहीं है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का उद्देश्य क्या है। जबकि जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास काट के जब अयोध्या में आए थे और उस वक्त अमावस्या थी, इसीलिए वहाँ पे अंधेरा था, तो पूरे जनवासियों ने एक सन उत्सव मनाने का तय किया था। और वो कैसा माना जाए, इसलिए सारे जनता ने वहाँ के अयोध्या में हर घर में एक दिया जलाया था और पूरा अयोध्या प्रकाशमय किया था। यही सबको मालूम होना चाहिए कि दिवाली का महत्व क्या है और श्री राम जी का महत्व क्या है। उसी माध्यम से हमने एक दिया श्री राम मंदिर के लिए ऐसी एक संकल्पना का आयोजन किया था, और उसी माध्यम से हमने पिछले 1.5 महीने से हमारे सारे कलाकार एक मंदिर की प्रतिकृति साकार कर रहे थे, और वो मंदिर की प्रतिकृति अभी सामने सबके लगाई हुई है, जिसका दर्शन पूरे सनपाड़ा वासियों को मिलना चाहिए, यही सोच के हमने यहाँ पे उसका आयोजन किया था। शंकर जी गायकर साहब आपण जे सत्कार करतोय, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, मायेची अखंड उभ राहणारी ही शॉल आणि हा पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्याचा सत्कार करतोय, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।